वेलकम टू रेलवे फोकस, आपका स्वागत करता है। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक ऐसा ट्रिक लाया हूँ जो एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा तो वो आसानी से बन जाएगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। क्या बोल रहा है दोस्तों, किसी संख्या में लगातार 4, 5, 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4 बचता है, तो उस संख्या में लगातार 7, 5, 4 से भाग देने पर शेषफल क्रम से क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए दोस्तों, कह रहा है कौन सा ऐसा संख्या है जो भाग देने पर 2, 3, 4 बचता है, ठीक है, और उससे भाग देंगे तो फिर 7, 5, 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, 4, 5, 7 लिख दिए, शेष को 2, 3, 4। क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों को ऐड करेंगे, 7, 4, 11 हुआ 11, फिर ये जो तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, 11, 5, 55 और 55 में फिर ये 3 जोड़ देना है तो कितना हुआ 58, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 58, 4 जा 232 आया, फिर बताए दोस्त इसमें ऐड कर देना है तो कितना आ गया दोस्तों 2, 3, 4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 4 से डिवाइड कीजिएगा इसमें तो 2 आ जाएगा, शेष कितना आ जाएगा 2 आएगा, 5 से डिवाइड कीजिएगा इसको तो 3 आ जाएगा, और 7 से डिवाइड कीजिएगा दोस्तों तो 4 आ जाएगा। बिल्कुल सही समझ में आ गया दोस्तों। और क्या बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि अब इससे 7, 5, 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों 2, 3, 4 लिख देना है, 7 से 7 थीजा 21, ठीक है, ऐसे फिर 7 थीजा 21, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सिक्जा 30, ठीक है, शेष कितना आया 3, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आया 2, तो 3, 3, 2 आंसर हो गया। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देख बोल रहा है दोस्तों, उसी प्रकार देखिए दोस्तों, 6, 5, 4, 1, 0, 1 लिख दिए, ठीक है, बोले दोस्तों इसमें ऐड कर देना है तो 4, 1, 5, अब 5, 5 जा 25, फिर इसमें ऐड करना है 25, 0, 25, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो 25 और 6 कितना हुआ 150 हो गया, और एक ऐड कर देना है तो 151 आ गया दोस्तों, 151। अब इसको दोस्तों 4 से इसको करेंगे तो यहाँ शेष लिखना है दोस्तों कितने बार में आया, यानी जिसको भागफल बोलते हैं यहाँ लिखना है, फिर 5 यहाँ, शेष यहाँ, 6 शेष यहाँ लिख दिए, ठीक है दोस्तों, शेष कितना है दोस्तों 3, 2, 1। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा आपको लगा होगा, ठीक है दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।